वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए। हमारा टारगेट ये है कि अलग अलग वैरायटीज के प्रॉब्लम आपको कवर कर सकें, जिससे मैक्सिमम वैरायटी आपकी यहीं पे हो जाए, बाकी जो रह जाते हैं आप उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्या कह रहा है प्रॉब्लम में? एक डी लेवल टर्बाइन है जिसका मीन ब्लेड जो दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, मीन ब्लेड स्पीड दी हुई है, कितनी दी है? 180 मीटर पर सेकेंड। लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। U कितना दिया हुआ है अपने को, मीन ब्लेड डायमीटर मतलब मीन ब्लेड स्पीड कितनी हो गई U, U से रिप्रेजेंट करते हैं 180 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नोजल जो दिया है, नोजल आर इंक्लाइंड एट 17 डिग्री टू द टेंजेंट, मतलब नोजल एंगल कितना दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 17 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है, द स्टीम फ्लो वेलोसिटी थ्रू नोजल इज, देखिए क्या बोल रहा है, आपको पहचानना हो कौन सी वेलोसिटी दी है, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे सब्जेक्ट में ढेर सारी वेलोसिटीज इन्वॉल्व हैं, इसमें आपको पहचानना होगा कौन सी वेलोसिटी आपको दी हुई है और कौन सी वेलोसिटी आपको पूछी हुई है। तो क्या दिया हुआ है, स्टीम फ्लो वेलोसिटी थ्रू नोजल इज 550 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी जो नोजल से निकल रही है, नोजल से निकलती है तो कौन सी होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दैट इज किससे बोलते हैं अपन लोग उसको, v1 से रिप्रेजेंट करते हैं, v1 इज इक्वल टू 550 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट v1 लिख दिया, आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टीम फ्लो वेलोसिटी थ्रू नोजल। क्यों? क्योंकि हर एक रेफरेंस बुक में जो टर्मिनोलॉजीज है वो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। हो सकता है नोजल वेलोसिटी के लिए वो सिर्फ v यूज करते हो, या हो सकता है नोजल वेलोसिटी के लिए वो v- यूज करते हो। तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि स्टीम फ्लो वेलोसिटी थ्रू नोजल उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, v1 से, जो कि कितना है 550 मीटर पर सेकेंड है। फिर क्या दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दिया है कितना, 3300 kg पर आवर मास फ्लो रेट दिया हुआ है अपने को। और उसमें एक चीज और बोल दी, फॉर एक्सियल एग्जिट फ्रॉम ब्लेड, एक टॉपिक है ये, इसमें ट्रिक थी जो कि मैं बताना चाहता था, फॉर एक्सियल एग्जिट फ्रॉम ब्लेड, ब्लेड से कैसी, जब एग्जिट कैसी हो रही है, एक्सियल एग्जिट हो रही है। अब पूछा क्या क्या है अपने से, टू पॉइंट लिख लें, पहले इनलेट एंड आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड, तो आप पूरा लिखिएगा इनलेट एंड आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड, मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं अपन, थीटा एंड दैट इज क्या पूछा है, फाइव पूछा है अपने से। फिर दूसरा क्या पूछा है, पावर आउटपुट, तो पावर आउटपुट पी से। फिर तीसरा क्या पूछा है, डायग्राम इफिशियंसी, डायग्राम इफिशियंसी मतलब वही ब्लेड इफिशियंसी, ये तीन चीज अपने से पूछी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपना काम क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना। वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, ये अपना यहां से आया क्या v1, और ये अपना क्या हो जाएगा vf1, ये हो गया vf1, और ये अपना क्या रहा v1। अब यहीं से कहीं अपना निकलेगा क्या, क्या निकल गया, ये vr1। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है अपना, u रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पूरा रिप्रेजेंटेटिव वो क्या कर रहा है, vw1। ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है थीटा, ध्यान दीजिए ये हो गया इस डायरेक्शन में अपना मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद जब एग्जिट हुआ, ये एग्जिट यहां से हो गया, ये ऐसा रहा, ये यहां से ये क्या निकलेगा vr2, ये अपना vf2, और अपना जो जनरल, अभी मैं जनरल बता रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग बनेगा, अभी तो मैं जनरल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए डिफरेंस क्या आएगा। ये क्या होता है v2, ये वाला एंगल फाई, ये वाला एंगल बीटा, उसके बाद ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी u, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी vw2। ऐसे ही बनता है जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसमें एक चीज कंडीशन बोल दी गई है, क्या, फॉर एक्सियल एग्जिट फ्रॉम ब्लेड, फॉर एक्सियल एग्जिट फ्रॉम ब्लेड, इसका मतलब होता है जब ब्लेड से वेलोसिटी निकल रही है वो क्या हो रही है, ब्लेड से जब स्टीम निकल रही है बाहर, एग्जिट जा रही है, तो वो क्या है, एक्सियल एग्जिट। एक्सियल एग्जिट का मतलब बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा एक्सियल एग्जिट में, एक्सियल एग्जिट में बीटा कितना हो जाएगा अपना 90 डिग्री। तो मतलब ये जो बनाए हैं अपन ने, ये ऐसा ना बन के, बीटा कैसा बनेगा,
फिर इसको अपने को कैसा बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया था, जिससे आपको मिटा के दोबारा बता सकूं कि जनरल डायग्राम में और इस डायग्राम में कितना अंतर रहता है। तो मतलब बीटा अभी यहाँ पे एक्यूट एंगल था, अब बीटा को हमने क्या 90 करा, तो ये अपना क्या हो गया बीटा 90। अब बीटा 90 हो गया तो वी आर टू भी क्या हुआ अपना यहीं पे हो गया, वी आर टू भी यहीं पे हो जाएगा ना। जब वी आर टू भी यहीं पे हो गया तो वी आर टू और वी एफ टू के बीच में जो अपने को मिलता रहा क्या था, वो वी डब्ल्यू टू। तो वी डब्ल्यू टू अपने को कितना मिला, 0 मिला, क्योंकि वी आर टू और वी एफ टू क्या हो गए एक ही लाइन में आ गए। तो ये पूरी डिस्टेंस जो है वो क्या बता रही है आपको, ये बता रही है यू बता रही है, क्योंकि वी आर टू और वी टू के बीच में अपने को क्या मिलता था, यू मिलता था। अब वी टू बीटा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो वी टू भी और वी एफ टू को इंसाइड कर जाएंगे। एक सेकेंड, एक अपने से ध्यान दीजिए, फिर से इसे यहाँ पे बनाते हैं। जो ये बना ये अपना वी टू हो गया, ये अपना वी आर टू, ये एंगल कितना पाई, ये वाला क्या है वी एफ टू, और बीटा 90 डिग्री है। मतलब क्या हुआ कि यहीं पे अपना क्या हो गया बी टू भी आ गया, ये बीटा 90 डिग्री यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, और ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या हो गई अपनी यू, और वी डब्ल्यू टू कितना हो गया 0। यही एक चेंजेस है इस क्वेश्चन में कि फॉर एक्सियल एग्जिट फ्रॉम ब्लेड, जनरलाइज्ड डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था वो था, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए अपना जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसलिए वेलोसिटी डायग्राम मैं कह रहा हूँ आपको बार बार अच्छे से आना चाहिए, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में अपने पास क्या है, सबसे पहले बाकी वेलोसिटीज निकाल लें। अपने पास वी डब्ल्यू वन है तो वी डब्ल्यू वन कितना हो जाएगा, वी वन कॉस अल्फा हो जाएगा। वी वन अपने पास कितना दिया हुआ है 550 कॉस 17 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे वी डब्ल्यू वन कितना आ जाएगा यहां से अपना 525.9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वी एफ वन भी निकाल लें, वी एफ वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वी एफ वन इज इक्वल टू वी वन साइन 17 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 550 into sin 17, ये क्या है अल्फा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो वी एफ वन कितना आया अपने पास 160.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अपने को निकालना क्या है, अपने को थीटा निकालना है, फाई निकालना है। थीटा कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं, नाम दे दें ए बी सी डी। अब देखें इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में यदि अपन जाए तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, टेन थीटा बराबर वी एफ वन अपॉन वी डब्ल्यू वन अप माइनस ये हो जाएगा वी एफ वन अपॉन वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन। रियल डिस्टेंस चाहिए ना सी डी, सी डी कितना है वी डब्ल्यू वन माइनस यू, वही लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब अपने पास वी एफ वन भी है, वी डब्ल्यू वन भी है, यू भी है, तो यहां से अपन लोग निकाल सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू, बहुत इजीली निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 160.8 वी एफ वन है अपना, वी डब्ल्यू वन 525.9 है और यू कितना है 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को थीटा मिलेगा कितना 24.98 डिग्रीज, ये अपने को क्या मिल गया थीटा मिल गया। अब क्या करना है वी आर वन निकाल लें, क्यों निकाल लें, क्योंकि अपने को फाई निकालना है, फाई निकालने के लिए वी आर टू लेना पड़ेगा और वी आर वन से वी आर टू को रिलेट करेंगे, इसलिए पहले वी आर वन होना चाहिए अपने पास। तो वी आर वन इज इक्वल टू वी एफ वन साइन थीटा हो जाएगा इन ट्रायंगल बी सी डी में, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वी आर वन इज इक्वल टू वी एफ वन साइन थीटा, तो वी एफ वन कितना है 160.8 और साइन 90 साइन थीटा साइन 24.98 डिग्रीज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा वी आर वन इज इक्वल टू 381.5 मीटर पर सेकेंड, ये अपने को क्या मिल गया वी
वी आर वन मिल गया। अब इसमें वी आर टू और वी आर वन के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, दिया है क्या कोई रिलेशन? नहीं दिया। अपने को लेकिन क्या निकालना है? फाई निकालना है। तो फाई कैसे निकाल सकते हैं? देखिए साइन फाई लगाएंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस फाई लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब फाई जो निकालना है अपन लोग बिना बी आर टू के नहीं निकाल पाएंगे। तो बी आर टू अपना क्या है, अगर कुछ नहीं दिया है तो एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग फ्रिक्शन लेस ब्लेड, एज्यूमिंग फ्रिक्शन लेस लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि दिया नहीं है ना, फ्रिक्शन लेस ब्लेड पैसेज। सो वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू हो जाएगा। तो वी आर टू अपने को मिल गया। अब कॉस फाई लगा दें उसमें तो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू अपॉन वी आर टू। तो वी आर टू अपने को पता है वही जो वी आर वन, तो 180 अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 381.5। तो यहां से अपने को फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना? 61.84 डिग्रीज अपने को क्या मिल गया? फाई। और वी डब्ल्यू टू तो ऑलरेडी जीरो ही है अपने पास, तो अपन ने क्या निकाल दिया? ये निकाल लिया, और फाई हो गया। पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, एम डॉट यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही नहीं, क्योंकि वी डब्ल्यू टू जीरो ही हो गया तो प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं। तो पी इज इक्वल टू एम डॉट कितना है? एम एम देखिए यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पावर क्या होती है? किलो वाट में, और किलो वाट क्या होता है? किलो जूल पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एम डॉट किस में दिया है? किलोग्राम पर आवर में। तो उसको पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा? पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 30 पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 से डिवाइड कर दें तो 3300 अपॉन 3600। तो ये किस में चेंज हो गया? पर सेकेंड में हो गया। उसके बाद यू कितना है अपने पास? यू है अपने पास 180। कितना दिया है यू? 180 दिया हुआ है अपने को, यू 180, तो यू 180 हो गया। उसके बाद वी डब्ल्यू वन ही आएगा, वी डब्ल्यू टू तो जीरो ही है, तो वी डब्ल्यू वन कितना निकाला? 525.996। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो पावर आएगी, पावर कितनी आ गई? डायरेक्ट मैं किलो वॉट में लिखूंगा, 100,000 से डिवाइड करके, तो कितनी हो जाएगी? 86.78 किलो वॉट आएगी। तो इसमें जो वॉट में आएगी, लेकिन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो वॉट में आ जाएगी। तो पावर हो गई, दूसरी चीज निकल गई। तीसरी चीज क्या बची? अपनी इफिशियंसी, डायग्राम इफिशियंसी। तो डायग्राम इफिशियंसी का अपने को पता है क्या? या तो तुम क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, टू यू वाला वो यू वी डब्ल्यू वन अपॉन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन वी वन स्क्वायर। या अपने को पता है क्या पावर क्या होती है डायग्राम इफिशियंसी? पावर ऑब्टेन्ड अपॉन पावर एट इनलेट। इनलेट में पावर कितनी होगी? एम डॉट वी वन स्क्वायर अपॉन टू। आप लोग जनरली क्या करते हैं? वर्क अपॉन इनलेट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे पावर ले रहे हैं तो इसलिए इनलेट में भी क्या लेना पड़ेगा? पावर। तो पावर के लिए एम डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे डब्ल्यू लेते तो यहाँ पे एम डॉट नहीं होता। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। 86. तो पावर कितनी आई अपनी? 86.78। अब यहाँ पे किलो वॉट नहीं लेंगे क्योंकि एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो अपने को पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी पड़ेगी। और पावर कितना है? तो एम डॉट को पहले उसमें चेंज करो, किसमें? पर सेकेंड में। और v1 कितना है? 550 का स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी जो आएगी आपकी कितनी आ गई? 62.5% आपकी एफिशिएंसी आ गई। तो ये आपने सारी चीजें निकाल ली। बस इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं थी जो मैं बताना चाहता था कि फॉर एक्सियल एग्जिट फ्रॉम द ब्लेड। क्या दिया था? फॉर एक्सियल एग्जिट फ्रॉम द ब्लेड, तो मतलब बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा 90 डिग्री हो गया तो v2 और vf2 का कोइंसाइड कर गए और vw2 जीरो हो गया। दैट्स इट। आई होप यू नो मेरे ख्याल आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।